हेलो चिल्ड्रेन होप यू ऑल डूइंग गुड लेट्स स्टार्ट चैप्टर सेफ्टी रूल्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर में हम कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में बात करेंगे एंड पोर स्टेट के बारे में बात करेंगे सो लेट स्टार्ट वी शुड टेक केयर ऑफ आर सेल्स एंड अदर्स टू स्टे सेफ टू सेफ्टी रूल्स Safety at home. Be careful with sharp objects like knives, blades and scissors. You may hurt yourself. Be careful while walking on wet bathroom floors. You may slip on the floor. Never touch any electrical appliance with wet hands. You may get an electric shock. Never wear nylon clothes in the kitchen, they catch fire quickly. Do not play with mattress sticks. Be careful with candles and firecrackers. Accidents, kahibi, kahibi. पर भी किसी के साथ भी हो सकता है तो इसीलिए हम सभी को थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है एंड हर जगह कुछ ना कुछ हमें सेफ्टी रूल्स बहुत ही सिंपल सेफ्टी रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करने चाहिए जैसे अगर हम घर की बात करें तो सबसे पहले कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हो जैसे नाइव्स या ब्लेड सीजर इनसे दूरी बनाए रखें राइट या इनको अगर आप हैंडल करें तो केयरफुली हैंडल करें वेट बाथरूम पे जब आप चल रहे हैं तो बी केयरफुल क्योंकि इसमें आप फिसल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वेट हैंड से ना टच करें बिकॉज यू कैन गेट इन इलेक्ट्रिक शॉक नाइलन क्लॉथ जहाँ पहने जब कभी भी आप किचन में हो क्योंकि इनमें आग बहुत जल्दी लग जाती है एंड मैच स्टिक के साथ ना खेलें कैंडल्स या फायर क्रैकर को अगर आप हैंडल करें देन बी केयरफुल सेफ्टी एट स्कूल डू नॉट हिट एनी वन और थ्रो थिंग्स एट अदर्स नेवर रन अराउंड द बेंचेस इन क्लासरूम यूज अ शार्पनर टू शार्पन पेंसिल डो नॉट रन अपर डाउन द स्टेयर केस यूज स्कूल इक्वमेंट्स केयरफुली Do not push each other in the classroom. अब देखिए स्कूल में आपको कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं सबसे पहले तो आप किसी को भी हिट नहीं करेंगे या एक दूसरे पे चीजें नहीं फेंकेंगे क्लासरूम के बेंचेज में आप इधर उधर नहीं दौड़ेंगे पेंसिल शार्प करनी है तो शार्पनर का यूज़ करेंगे स्टेयर केस भी ऊपर नीचे नहीं दौड़ना है राइट स्कूल के इक्विपमेंट्स को केयरफुली यूज़ करना है और क्लासरूम में एक दूसरे को बिल्कुल भी धक्का नहीं देना है सेफ ट इन द प्ले ग्राउंड लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम ऑलवेज प्ले अ सेफ गेम नेवर प्ले नियोर अ डीप पूल और थॉर्नी बुशेज वेट फॉर योर टर्न इन एनी गेम प्ले ग्राउंड में आपको क्या रूल्स फॉलो करें हैं सबसे पहले कोई भी आप गेम खेल रहे हैं उसके रूल्स आपको पता होने चाहिए एंड उन्हें फॉलो करना है सेफ गेम खेले हमेशा किसी भी डीप पुल के पास ना खेलें या थॉर्नी बुशेज कांटेदार जो झाड़ियाँ उनके पास ना खेलें एंड गेम में हमेशा अपनी बारी का वेट करें सेफ्टी एट द बस स्टॉप मेक अ क्यू एट द बस स्टॉप टू गेट इन द बस डू नॉट गेट इन टू और गेट ऑफ मूविंग बस डू नॉट पुट यूर हैड और आर्म्स आउट ऑफ विंडो टू नॉट ट्रेवल ऑन द फुट बोर्ड डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर कीप क्वाइट इन द बस जब कभी भी आप बस स्टॉप पे खड़े हैं तो हमेशा क्यू में रहें क्यू मीन्स लाइन में रहें चलती हुई बस से ना ही उसमें छड़े ना ही उससे उतरेंगे और आपकी जो मूविंग बस है आपको अपना हेड या आर्म्स नहीं निकालना है विंडो से बाहर ओके फुटबोर्ड पर कभी ट्रैवल नहीं करना है ड्राइवर को कभी डिस्टर्ब ना करना हमेशा बस में शांति बनाए रखें सेफ्टी ऑन द रोड वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग क्रॉस द रोड वेन द ट्रैफिक स्टॉप्स वेन राइडिंग अ बाइसिकल कीप टू योर लेफ्ट ऑलवेज गिव सिग्नल बिफोर टर्निंग नेवर टीज एनिमल्स ऑन द रोड नेवर रन आफ्टर अ काइट ऑन द रोड हमेशा फुटपाथ पे चलेंगे ओके okay? या फिर रोड के लेफ्ट साइड में इफ़ देर इज़ नो फुटपाथ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आपको रोड क्रॉस करनी है राइट right? एंड जब कभी भी आप बाइसिकल चला रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड ही चलाएं। एंड टर्न करने से पहले सिग्नल ज़रूर दें रोड पे किसी भी एनिमल को टीज ना करें और रोड पे पतंग के पीछे ना दौड़ें लुक एट द traffic लाइट द रेड लाइट इंडिकेट्स stop और रिलैक्स द एम्बर लाइट इंडिकेट्स वेट द ग्रीन लाइट इंडिकेट्स गो ट्रैफिक लाइट के बारे में तो आपको पता ही होगा उसमें थ्री लाइट्स होती हैं। आपकी जो रेड लाइट होती है वो क्या कहती है कि स्टॉप एंड रिलैक्स एंड जो एम्बर लाइट यानी जो येलो लाइट आप जिसे कहते हैं वो करता वेट एंड ग्रीन लाइट का मतलब होता है यू कैन गो ना फोर्स्ट एड द इमीजिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजोर्ड पर्सन इज कॉल्ड फोर्ट एड इफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स गेट हर्ट यू नीड टू गिव हिम हर फोर्ट एड योर इज वॉट यू कैन डू टू नॉट अलाउ पीपल गैदर अराउंड द इंजोर्ड फोर्स्ट एड का मतलब क्या होता है कोई भी इंजोर्ड पर्सन को जो सबसे पहली हेल्प दी जाती है तो आप फोर्स एड में क्या कर सकते हैं देखिए सबसे पहले तो कोई भी इंजोर्ड पर्सन है उसके आसपास भीड़ इकट्ठी ना होने दें क्लियर द वटी सेप्टिक कॉटन टाइर क्लीन पेंडेज ओवर द वेक द इंज्योर्ड पर्सन सिट और लाइटाउन कीप दफ द बॉडी रेस्ट कंफर्ट यूर इंजोर्ड फ्रेंड कॉल अ डॉक्टर और एन अडल्ट वोदर हैथ इसके बाद अगर कोई घाव है तो उसको एंटीसेप्टिक कॉटन से क्लीन करें घाव के ऊपर एक क्लीन बैंडेज बांध दें एंड इंजोर्ड पर्सन को आराम से उसको या तो बिठाएं या फिर लाइट आओ एंड वनटेड पार्ट है वो बॉडी का थोड़ा सा रेज होना चाहिए यानी अपर होना चाहिए एंड इंजोर्ड फ्रेंड को कम्फर्ट करें डॉक्टर को बुलाएँ या फिर किसी एडल्ट को बुलाएँ आगे की हेल्प के लिए let us remember we should always follow safety rules the immediate help given to an injured person is called first aid if you get hurt or see an injured person call an adult immediately आपको हमेशा ही सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए राइट right? और अगर आपको कोई देखिए इंजोर्ड पर्सन है तो किसी एडल्ट को इमिजिएटली कॉल करना चाहिए चिल्ड्रन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप आप ये सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे